रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए हयु हाय हाय रंगी परोड़ आवी खुशियों संगे लावी हर घाए हयु हाय हाय आशानी किरणों बिखराए उमंग भी छलकाए मन हड़वे थी गुनगुनाए हाय 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 शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई 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 हे शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई राष्ट्र संत महोपाध्याय ललित प्रभ सागर महाराज दार्शनिक संत चंद्र प्रभ महाराज और डॉक्टर मुनि शांति प्रिय सागर महाराज का सपनों की नगरी मुंबई के बोरीवली के प्रसिद्ध ग्राउंड कोरा केंद्र में बने वाटरप्रूफ पंडाल जिसमें तकरीबन 5000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। ऐसे विशाल काय पंडाल में गौरवमयी और रमणी मंगल चातुर्मास मंगल प्रवेश हुआ। आचा छा टम टमाता शमणाओ छे लावी ओ लावी ओ लावी आपको बता दें कि मंगल प्रवेश का आगाज बोरीवली वेस्ट के जामली गली के संभवनाथ जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा के साथ संपन्न हुआ, जिसमें भारी संख्या में श्रावक श्राविकाओं का जन सैलाब उमड़ा और अपने गुरु आराध्य देव के दर्शन लाभ और प्रवचन लाभ के लिए पूरे भक्त उतर आए, जिसमें बोरीवली की कन्या मंडल महिला मंडल युवक मंडल की पूरी टीम ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाया। मारो राजस्थान की खास पेशकश चातुर्मास के मंगा महामंगल प्रवेश में आपका स्वागत है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं बोरीवली के कोरा केंद्र में मौजूद हूं। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा तस्वीरों को दिखाएं। यहां पर दिव्य पावन चातुर्मास एवं दिव्य सत्संग समेत कोरा केंद्र मैदान बोरीवली पश्चिम का एरिया लगता है। यहाँ पर राष्ट्र संत महोपाध्याय श्री ललित प्रभ सागर जी महाराज चंद्र प्रभ सागर जी महाराज डॉक्टर मुनि शांतप्रिय सागर जी महाराज साहब का भव्य और ऐतिहासिक मंगलमय प्रवेश होने जा रहा है। आपको बता दूं कि चतुर्मास की शुरुआत जो है मंगल प्रवेश की शुरुआत जामली गली संभव जैन टेम्पल से शुरुआत हुई थी। आप देख सकते हैं महाराज साहब के भक्ति में लोग पूरी तरह लीन नजर आ रहे हैं। ढोल नगाड़े के साथ पालक पावड़ा बिछाए महाराज साहब का स्वागत कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पर देखा जाता है कि जिन शासन का गौरव बढ़ाने के लिए ये महाराज साहब के चतुर्मास का जो प्रवेश होने जा रहा है लोग पूरी तरह भक्ति के रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में भक्तों का एक जमावड़ा देखने को मिल रहा है। भारी संख्या में जिन शासन के गौरव को बढ़ाया जा रहा है महामंगल प्रवेश की बात करें तो एक ऐतिहासिक महामंगल प्रवेश हो रहा है। आपको बता दूं कि यहाँ पे कोरा केंद्र में चतुर्मास का जो कार्यक्रम की शुरुआत मंगल प्रवेश हुआ है भारी संख्या में भक्त आ रहे हैं जिन शासन का गौरव बढ़ा रहे हैं। और चतुर्मास की बात करें तो बोरीवली कोरा केंद्र का जो ग्राउंड है यहाँ पे तकरीबन वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है। 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है ताकि बारिश या किसी प्रकार का कोई समस्या आती है तो पंडाल में कोई प्रॉब्लम ना हो। और बात करें कि सत्संग समिति की अध्यक्ष जो है पारस चपलाउत और पूरी टीम जो है पूरी तन्मयता के साथ इस घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो घड़ी समाप्त हुआ है और गुरुदेव महाराज साहब का मंगल प्रवेश हुआ है। यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन होगा महाराज साहब का प्रवचन होगा तो हम भी मां राजस्थान के दर्शकों से ये अपील करेंगे गुजारिश करेंगे कि इस ऐतिहासिक मंगलमय प्रवेश में आए जिन शासन का गौरव बढ़ाए और अपने जीवन को धन्य धान्य करे। आशा के मोती सांसों की माला हमें पिरोना
ओझा मिल के साथ ही हमको ढोना है। शहनाई शहनाई शहनाई। दूसरी तरफ आपको बता दें कि 55 दिनों तक चलने वाले इस चातुर्मास का आयोजन पावन चातुर्मास एवं दिव्य सत्संग समिति मुंबई के अध्यक्ष पारस जी चपड़ोक और उनकी टीम के अथक प्रयास से होने जा रहा है। मंगल प्रवेश के मौके पर राष्ट्र संत महोपाध्याय ललित प्रभ सागर जी महाराज और सत्संग समिति के अध्यक्ष पारस चपड़ोक और उनकी टीम ने मारवाड़ स्थान के एडिटर रितेश पाठक से खास बातचीत की। तो आइए देखते हैं इस पर चातुर्मास की महाकवरेज। आज हम ये प्रार्थना कर लेते हैं कि हे मेरे प्रभु जी, जिस तरह से आप हमारे जन जन के बीच में जल वृष्टि कर रहे हैं, वैसे ही आप हम सब लोग के बीच में सुख और शांति की भी वृष्टि कीजिए, सुख और शांति भी हम पर बरसाइए। कितने लोग साथ साथ गाएंगे, हाथ खड़ा करके बताइए तो। ओह वेलकम। बरसा दाता सुख बरसा, बोलो बरसा दाता। आंगन आंगन सुख बरसा, बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा, चुन चुन काटे नफरत के। हाँ चुन चुन काटे प्यारे मन के फूल खिला, चुन चुन काटे नफरत के प्यारे मन के फूल खिला। मारवाड़ स्थान का खास कार्यक्रम महामंगल प्रवेश के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बोरीबली के कोरा केंद्र में मौजूद हूँ। इस वक्त हमारे साथ राष्ट्र संत श्री महोपाध्याय ललित प्रभ सागर जी महाराज साहब विराजमान हैं, जिनके सानिध्य में यहाँ पर एक बहुत ही भव्य मंगलमय प्रवेश हुआ है, लोगों को लाभ हुआ है, प्रवचन लाभ हुआ है। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए ललित प्रभ महाराज साहब, सबसे पहले आपका सर मारवाड़ स्थान में स्वागत। हम सबसे पहले हमारे चातुर्मास के जन जागरण में महरो राजस्थान से जो सेवाएँ प्राप्त हो रही है, हम बहुत प्रेम से आपको साधुवाद शुक्राना समर्पित करते हैं। हमारा प्रयास रहेगा मुंबई चातुर्मास के दौरान आम जन जीवन को, प्राणी मात्र को, इंसान मात्र को एक नई ऊर्जा भरा जीवन मिल सके, हर आदमी पॉजिटिव थिंकिंग का मालिक बन सके, हर आदमी सकारात्मक सोच का मालिक बन सके, हर आदमी अपनी मीठी जबान का मालिक बन सके। और साथ ही हमारी सोच रहेगी हर इंसान एक हंसता खिलता मुस्कुराता गुलाब का फूल बन जाए। हम दिव्य सत्संग चातुर्मास समिति को अपनी ओर से साधुवाद देना चाहते हैं, जिन्होंने एक भागीरथ प्रयत्न उठाकर इतना महान बीड़ा उठाया और 36 कौम के लिए, प्राणी मात्र के लिए, सकल जैन समाज के द्वारा यह भव्य आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। जो पूरी टीम ने, पूरी महिला मंडल ने, कन्या मंडल ने जो जिस प्रकार से तन्मयता के साथ जिन शासन के प्रति गौरव बढ़ाया है, लोगों को जोड़ा है, बहुत ही भारी भरकम भीड़ रही। ये पूरी आयोजक टीम के लिए और भक्तों के लिए महाराज साहब की तरफ से क्या मैसेज है, क्या संदेश है जी? हम अपनी ओर से सबसे पहले जिन लोगों ने आज के प्रवेश शोभा यात्रा में बढ़ चढ़ कर, ऐसा लगा जैसे पूरा मुंबई उमड़ पड़ा है, हम अपने सभी सहधर्मी भाई बहनों के प्रति, सारे मंडलों के प्रति, सारी संस्थाओं के प्रति, सारी समितियों के प्रति हम अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद समर्पित करते हैं। ये जो ज्ञान का यज्ञ है, इसमें जो जो अपनी जितनी आहूतियाँ समर्पित कर देगा वो उतना सौभाग्यशाली बन जाएगा। ये केवल हमारा कार्यक्रम नहीं है, ये सकल मुंबई के लिए है, पूरे मुंबई के लिए है, आम इंसान के लिए। हमसे बातचीत करने के लिए ये थे ललित प्रभ महाराज साहब, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि मुंबई का जो कार्यक्रम है बहुत ही ऐतिहासिक है, भव्य है। और साथ ही साथ जिन शासन के लोगों से हम भी मारवाड़ स्थान के दर्शकों से अपील करना चाहेंगे कि बोरीबली के कोरा केंद्र में आए और चातुर्मास का लाभ लें और जिन शासन के गौरव को बढ़ाए, अपने जीवन को धन धान करें। बोरीबली के कोरा केंद्र का ऐतिहासिक और भव्य मंगलमय प्रवेश हुआ है। राष्ट्र संत ललित प्रभ जी, चंद्र प्रभ जी महाराज साहब का जो प्रवेश हुआ है, बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। इस पूरी टीम को लेकर के हमारे साथ जो है दिव्य सत्संग समिति के अध्यक्ष, कार्य सम्राट, भक्त प्रेमी, चातुर्मास के महा आयोजक अध्यक्ष हमारे साथ पारस चपड़ोक सर हैं। पारस चपड़ोक सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बहुत ही वाटरप्रूफ पंडाल बनाया है, तकरीबन 5000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, बहुत ही मंगलमय प्रवेश हुआ है महाराज साहब के प्रति, जिन शासन के भक्तों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे?
जिन शासन के भक्तों से निवेदन है कि 55 दिन धर्म लाभ ले, आध्यात्मिक प्रवचन होंगे, सब अधिक से अधिक संख्या में पधारे और अपना आत्म उत्थान करे, यही मंगल कामना है। चतुर्मास की बात करें कि सर जो आज का जो पूरा कार्यक्रम हुआ है, मुंबई ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे देश के तमाम राज्यों से लोग आए हैं, तो जितने अतिथिगण आए उनके लिए और तमाम पदाधिकारी सर, उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी, विधायक नरेंद्र मेहता समेत, महापौर जी आई, तमाम नेतागण आए, क्या कहना चाहेंगे सर? उन सबका आशीर्वाद था हमारे साथ और हमारे समारोह का गौरव बढ़ाया, उन सबका सपोर्ट था। स्थानीय सांसद, स्थानीय विधायक राजन विचारे जी आ नहीं पाए, उनकी तबीयत खराब थी। बाकी हम सब संघों को, सब जाति धर्म को साथ में लेके चल रहे हैं और 55 दिन का ये गरिमापूर्ण कार्यक्रम संपन्न होगा। से बातचीत करने के लिए कहते हैं युवा शक्ति कैसी शक्ति है जो हमारे देश की जिन शासन की दशा और दिशा दोनों बदलती है। तो हमारे साथ एक युवा पदाधिकारी किशरा तलेसरा जी जुड़ रहे हैं। किशरा तलेसरा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे पूरी टीम के लिए और महाराज साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? आज का ये जो प्रोग्राम हुआ है, हमारे युवाओं में तो काफ़ी जोश है इसको लेके। आज से एक डेढ़ साल पहले जब ये गुरुदेव हमारे भाईंदर पधारे थे, हमारा पहला परिचय था उनसे, वो उसी टाइम हमारे पाराजी साहब चपलोत ने बोल दिया था कि यार हमारी भावना है गुरुदेव का चातुर्मास करावे, और इनकी भावना इतनी प्रबल थी कि आज ये चातुर्मास को यहाँ पे लाके रखा। और इनके साथ में जो मनोज भाई बनवट ने जो सपोर्ट किया है, इनका कंधे से कंधा मिला के, और हमारा भी जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगा तो हम इनके साथ में है। थैंक यू। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ टैलेंट सुपरस्टार के आयोजन करने वाले और युवाओं के में काफ़ी लोकप्रिय सुनील मेहता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील मेहता जी, क्या कहना चाहेंगे? आप ने बहुत से कार्यक्रम करते हैं, युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय हैं, युवा मंडल के भी आप अध्यक्ष रह चुके हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा श्रीमान पारस जी चपलोत, जिन्होंने अथाह प्रयास करके गुरुदेव को चेन्नई से मुंबई चतुर्मास के लिए विनती की, और चतुर्मास के लिए जो उन्होंने आज्ञा ली उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरे समिति को। और जैसे कि गुरुदेव ने 2017 में एक महामंगलिक का कार्यक्रम किया था भाईंदर में, जिसमें बहुत बड़ी संख्या थी, और उस सफल आयोजन देखते हुए हमें लगा था कि अगर चतुर्मास मुंबई में होगा तो एक नया इतिहास रचेगा। और आज गुरुदेव का जो विहार था जामली गली से आज चतुर्मास स्थल पर, वो ऐतिहासिक था, हजारों की संख्या में भक्त थे, और आज जो सफल जो आयोजन हुआ है प्रवेश का, वो अपने आप में इतिहास रचने जाएगा। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी समिति को, और मंगल कामना करता हूँ कि मुंबई का यह जब उनका प्रथम चतुर्मास है, वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करे, नया इतिहास रचे। इन्हीं मंगल कामना के साथ जय जिनेन्द्र, जय महावीर। जय जिनेन्द्र, जय महावीर। हमारे साथ पावन चतुर्मास दिव्य सत्संग समिति के महामंत्री मनोज जी बनवट हमारे साथ हैं। मनोज जी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है। मैंने इसी ग्राउंड से कार्यक्रम के पहले हमने पूरा नज़ारा दिखाया था दर्शकों को, तो वाकई में पूरा पंडाल भरा रहा, महाराज साहब के तमाम भक्त आए, आपकी जो है पूरी मेहनत रंग लाई, क्या कहना चाहेंगे सर? जितनी हमें उम्मीद थी उससे कुछ लोग कम आए, उसका कारण था सवेरे बारिश का बहुत होना, बट फिर भी पंडाल आपने पूरा देखा होगा कि पूरी तरह से भरा हुआ था, और बड़ा आनंद का पल है ये कि हमारी आज मेहनत सफल लाई है, हम लोगों ने जो प्रयास किया वो आज सार्थक सिद्ध होता हुआ दिख रहा है, और आगे भी आपको ऐसा ही क्राउड और ऐसी ही पब्लिक, ऐसे ही लोग, ऐसे ही धर्म प्रेमी लोग प्रतिदिन मिलेंगे, आप आते रहिए। बिल्कुल, हम आएंगे, दर्शकों को भी कवरेज दिखाते रहेंगे। मनोज जी, आप जानना चाहेंगे कि भक्तों से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जिस प्रकार से यहाँ पे अमृतमय ज्ञान की गंगा बह रही है, तो भक्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कहना तो यही चाहेंगे कि भाई आप आइए, प्रतिदिन आइए, क्योंकि प्रतिदिन अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर प्रवचन है, आप जितने प्रतिदिन की प्रवचन माला एक विशेष सब्जेक्ट विषय के ऊपर है, विशेष विषय के ऊपर है, तो आप आके सुनिए, आपको काफ़ी आनंद महसूस होगा, और आप अपने जीवन में माइंड बॉडी एंड सोल का ये जो कॉम्बिनेशन है ये आप फील करेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद, नौजवानों का साथ हो तो निश्चित तौर पर जिन शासन का गौरव बढ़ता है। हमारे साथ एक वरिष्ठ जी बिराज श्रमण संघ के मंत्री जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? पारस जी चपलोत ने जो भव्य तरीके से कार्यक्रम किया है, पारस जी चपलोत और पूरी टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? पारस जी चपलोत ने जो अथाह मेहनत और सराहनीय कार्य किया है, और इनकी विनंती के लिए जो पहली बार किसी ने
है जो बाय प्लेन विनंती के लिए गए बेंगलोर और वहाँ से विनंती लेके और महाराज साहब का आज्ञा लेके यहाँ पे पधारे और उन्होंने ये चातुर्मास करवाया, बहुत ही सराहनीय है। उनकी पूरी टीम को मनोज जी और संपत जी और उनकी पूरी टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया। आज देखा आपने भी इस जो मीडिया ने इस यहाँ पे पधार के जो पूरा लाइव दिखाया है उसके लिए हम मीडिया का भी बहुत बहुत आभारी है। इसी तरह से आप आके इस तरह का प्रोग्राम दिखाते रहें और सभी का सहयोग आपके साथ में, आपका सहयोग हमारे साथ में, इसके लिए जय जिनेंद्र, जय महावीर। जय जिनेंद्र, जय महावीर। हमारे साथ एक और भक्तजन जुड़ रहे हैं, आपसे संक्षेप में जाना चाहेंगे जिस प्रकार का ये कार्यक्रम हुआ है, महाराज साहब का सानिध्य प्राप्त हुआ है, एक राष्ट्र संत के द्वारा ज्ञान की जिन शासन का गौरव बढ़ाया जा रहा है, चातुर्मास में यहाँ पे मांगलिक प्रवेश हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आज जो कार्यक्रम देखा है, भक्ति, सेवा, समर्पण और प्रेम की एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो मरने के बाद स्वर्ग नहीं, जीते जी स्वर्ग यहाँ कैसे है ना, मतलब अपन जी सकें अपने जीवन में, कैसे है ना, मतलब अपन ढाल सकें, तो ये यहाँ पर है ना मिलता है। और जो क्राउड आप देख रहे हैं, ये राष्ट्र संतों की बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ जो जिन्होंने भी ये आयोजन किया है, मैं बहुत उनका आभारी हूँ। और उन्होंने जो प्रयास किए हैं वो निश्चित ही काबिले तारीफ है। ऐसे ही दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करते रहें इन्हीं भावों के साथ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। जय जिनेंद्र, जय महावीर। तो हम भी महाराज स्थान के दर्शकों से अपील करेंगे कि बोरीबली का जो कोरा केंद्र का मैदान है, जो ग्राउंड है, यहाँ पे जो अद्भुत तरीके से बहुत ही सुंदर रमणीय तरीके से पंडाल सजाया गया है, बारिश ना हो इससे बचने के लिए भक्तों को वाटरप्रूफ पंडाल बनाया गया है। तकरीबन 5,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है। तो हम भी दर्शकों से अपील करेंगे कि जो भी चातुर्मास का कार्यक्रम है, पूर्ण लाभ है, आकर लें, अपने जीवन को धन्यधान करें। बोरीबली के कोरा केंद्र में भारी संख्या में महिलाओं की भी भीड़ देखी गई। जी, शासन की तमाम भक्त महिला प्रेमी हमारे साथ हैं। आपको बता दें कि जो भी यात्रा निकाली गई थी, पूरे यात्रा के दौरान महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मैं अपने कैमरा पर्सन से गुजारिश करूंगा इन महिलाओं, माताओं, बहनों को दिखाएं कि जिन्होंने इस भव्य और ऐतिहासिक चातुर्मास में अपना अमूल्य योगदान दिया है। पावन चातुर्मास एवं दिव्य सत्संग मुंबई के जो अध्यक्ष महामंत्री हैं, उनके फैमिली मेम्बर की महिलाएँ हैं। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए ये पूरे दिन दुनी रात चौगुनी उन्होंने मेहनत किया है। जी, सबसे पहले मैं आपको प्रणाम करता हूँ, क्या कहना चाहेंगी महिलाओं की तरफ से? जी, मैं सभी महिलाओं से अनुरोध करना चाहूँगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर महाराज साहब का लाभ लेवे और उनके प्रवचन सुने और अपने दिन प्रतिदिन की क्रिया में उसे उतारे, जिससे उनका भविष्य उज्ज्वल हो सके। आपसे एक आखिरी सवाल, महाराज साहब आपके जीवन में कितना महत्व रखते हैं? जी, सभी के जीवन में महाराज साहब बहुत महत्व रखते हैं और मेरे जीवन में तो कुछ ज़्यादा ही महत्व रखते हैं। पूरी टीम के लिए और दूसरे, मतलब दूर दराज से भी, मुंबई के बोरीबली ही नहीं और दूर दराज से महिलाएं आएँ, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अपना कर्तव्य पूरा करते हुए धर्म की ओर अगर वो आकर अपना कार्य कर सके तो मैं उन्हें इन्वाइट करना चाहूँगी बातचीत करने के लिए। तो देख सकते हैं जिन शासन की महिला प्रेमी भक्तों ने दूसरे महिलाओं से एक अपील की है कि अपने आप जीवन को धनदान करना है, जिन शासन का गौरव को बढ़ाना है, सदाचार आचरण व्यवहार को असली जामा पहनाना है, तो बोरीबली के केरा कोरा केंद्र में आए, अपने जीवन को धनदान करें। हमारे साथ पदाधिकारी शंकर जी, जितेन जी समेत वरिष्ठ पदाधिकारी भी जुड़ रहे हैं। हम सर आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो पूरी तन्मयता दिखाई है पूरी टीम की तरफ से, जितने भी लोग आए, जिन शासन के भक्त आए, जिस शासन का गौरव बढ़ाए, चातुर्मास का आगाज हुआ, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि यहाँ जो आज जो पधारे हैं, ये हमारे जैन धर्म के ही संत नहीं हैं, ये एक राष्ट्रीय संत है। इन्होंने जहाँ पर भी पूरे भारत में अपनी प्रवचन माला चालू की है उसमें सभी धर्मों के लोग आए हैं, इसी सोच के महानगरी आज ये बम्बई में पधारे हैं। और बम्बई में, बोरीवली में आने वाले टाइम में सभी धर्म के लोग यहाँ पधारेंगे। हमने, आपने आज जो व्यवस्था देखी है, आने वाले टाइम में इससे भी डबल व्यवस्था की हमारी पूरी तैयारी की हुई है। ऐसे राष्ट्रीय संत जो एक जैन धर्म को नहीं, सभी धर्मों को मिलाकर के आज की जो शैली है, जीने की शैली कैसी होनी चाहिए, वो शैली आज में सुखी जीवन कैसे जीना है। स्वर्ग में तो अपन जाकर के ऊपर अपने को स्वर्ग मिल जाएगा, आज का घर का स्वर्ग कैसा होगा वो चीज़ ये हमारे गुरु यहाँ बतलाने को आए हैं। आज बम्बई धरा पे, बम्बई की पूरी जिंदगी यहाँ से विचरण 2 महीना बाद करके पूरे बम्बई में गुरुदेव का, राष्ट्रीय संतों के प्रवचन चलेंगे। मेरे को लगता है इससे पूरे बम्बई में बहुत से लोग मांसाहारी और जो
गुटखा मीट कुछ भी जो करते हैं, बहुत से लोग शाकाहारी बनेगा एक बहुत बड़ी हमारे लिए उपलब्धि है, हमारे लिए देन है। आप हमारा इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय जीनन। क्या कहना चाहेंगे सर, आप एक वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, काफ़ी चातुर्मास आपने देखा है, आज का जो आगाज हुआ ऐतिहासिक रहा, क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो मैं 10 साल से अटैच हूँ, 10 साल से अटैच हूँ, और मुंबई का मेरा सपना था कि पूरा हो जाए, और यहाँ आने के बाद में इनका पूरा हुआ और मेरे को बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी नहीं हुई कभी जिंदगी में, एक खुशी हुई। कहते हैं खुशियाँ चार चांद लगा देती है अगर महाराज साहब और गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे, सत्संग समिति के पदाधिकारी हैं, आयोजक टीम में एक अहम हिस्सा रखते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हम खुद को आज बहुत धन्य समझते हैं, महाराज साहब का हमको सानिध्य मिला, मुंबई नगरी में, मुंबई माया नगरी में ऐसे संत का आना हमारे एकदम गौरव की बात है, और इन संत के समागम से और सत्संग से हमको बहुत कुछ जानने को मिलेगी, हमारी जीवन शैली सुधरेगी, और जो मुंबई की लाइफ है उसमें एक अलग ही रौनक नहीं बढ़ेगी। और सभी इस माध्यम से, आपके माध्यम से सबको कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आवे, महाराज साहब का सत्संग में लाभ लेवे और अपने जीवन को धन्य बनाए। जी आप देख सकते हैं किस प्रकार से पूरे पदाधिकारियों ने कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी और पूरी तन्मयता के साथ भव्य और ऐतिहासिक कार्यक्रम का आगाज किया है। और आपको बता दें कि तमाम तरह के चातुर्मास पूरे देश में हो रहे हैं, मुंबई में भी हो रहे हैं, लेकिन बोरीवली का जो कोरा केंद्र का चातुर्मास है सर्वधर्म संभव वसुधैव कुटुंबकम की तर्ज पे काम कर रहा है। जिन शासन ही नहीं देश के सभी भक्तगण आए, अपने गौरव को बढ़ाए, अध्यक्ष समेत पूरी टीम ने जिस प्रकार से तन्मयता दिखाई है, भारी भरकम भीड़ रही, ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, तो हम भी दर्शकों से अपील करेंगे बोरीवली के कोरा केंद्र में आए, चातुर्मास का लाभ लें, अपने जीवन को धन्य करें। कैमरा पर्सन शासक के साथ रितेश पाठक, राजस्थान, मुंबई। Listen here.